नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। दक्षिण अफ्रीका में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद टॉम कुरैन की नजरें कोहली और रोहित पर। इस साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप खेला जाना है और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम कुरैन ने दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में खत्म हुए टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है। अब टॉम की नजरें इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेटों पर होगी। टॉम आईपीएल के पूर्व विजेता राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आएंगे। टॉम ने IANS से बात करते हुए कहा है कि वह कोहली और रोहित दोनों के प्रशंसक हैं, लेकिन जब उनके हाथ में गेंद होगी तो वह विश्व के दो बेहतरीन बल्लेबाजों को अपनी योग्यता से आउट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वह विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं। एक गेंदबाज के तौर पर यह मेरे लिए अपनी रणनीति लागू करने और उनके बजाय अपनी योग्यताओं पर ध्यान देने की बात है। वह शानदार चुनौतियां होंगी, इसके लिए मैं तैयार हूँ। टॉम से जब पूछा गया कि क्यों वे IPL में टी20 विश्व कप की तैयारी के लिहाज से मंच के तौर पर देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा है, मैं क्रिकेट में कोई भी मैच खेलूं, मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ता है, बड़ा हो या छोटा, लेकिन मैं मैदान पर ज्यादा आगे की नहीं सोच रहा हूँ। एक बार में मैं एक मैच पर ही ध्यान देना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मैदान पर उतरूं तो अपने अंदर सुधार कर सकूं। IPL में भाई स्टीव स्मिथ, बेन स्टॉक्स और जॉस बटलर के साथ रेसिंग रूम में साझा रहेंगे। इस युवा को लगता है कि उनके लिए मंच होगा कि वह विश्व स्तर के खिलाड़ियों के साथ रहकर सीखें। उन्होंने कहा है कि यह मेरे लिए शानदार अनुभव है। टॉम से जब पूछा गया कि क्या इंग्लैंड दूसरी बार टी20 विश्व कप जीत सकता है, इस खिलाड़ी ने कहा, बिल्कुल ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं कहूं कि हम विश्व कप नहीं जीत सकते। हमारे पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने काफी टी20 क्रिकेट खेली है, इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं। टॉम की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।